बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शामी कबाब बना रही हूँ, चिकन शामी कबाब बना रही हूँ। उसके लिए मैं ये गरम मसाला बनाऊँगी। एक टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 6 इलायची हैं छोटी, 1 स्टिक दालचीनी का है, 2 बड़ी इलायची हैं, ये अदरक पाउडर है, ये 10 लौंग हैं, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है। इसको मैं इन सबको मैं पीस लूँगी। ये भी पीसी हुई है लेकिन इसके साथ मैं पीस लूँगी। इसमें ये 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, ये 1 किलो चिकन बोटी है, ये ब्रेस्ट एंड लेग्स जो है ना वो मिक्स है। इसमें मैं ये 1 किलो है तो इसमें मैं 1 पाव चने की दाल डालूंगी। उसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है, अलग से मैं उबालूंगी। नमक हसबे जायका है, थोड़ी सी हल्दी मैं डालूंगी। ये चिकन मैंने चढ़ा दिया है, इसमें मैं 1 मीडियम साइज की प्याज, नमक हसबे जायका है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं 2 क्यूब डाल रही हूँ, और कुटी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ। गरम मसाला वगैरह मैं बाद में डालूँगी, फिलहाल इसको मैं पकाने के लिए रख दूँ। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि चिकन गल जाए। इसमें 1 गिलास भर के मैंने पानी डाल दिया है। गरम मसाला वगैरह जब मैं बाद में डालूंगी, दाल है, गरम मसाला है, हरी मिर्चें हैं, दही है। अब इसको मैंने चढ़ा दिया है, चिकन गलने तक मैं इसको पकाऊंगी। ये शामी कबाब का वो गोश्त का पानी थोड़ा सा वो चिकन आधा गल चुका था, जिसमें मैंने जो 1 पाव चने की दाल उबाली थी आधी मैंने डाली है, आधा पाव मैंने डाली है, फिर नहीं डाली ज़्यादा, बस थोड़ी सी मैं और डाल रही हूँ, आधा पाव से बस इतना, 1 पाव मैंने उबाली थी। इसमें जो मैंने गरम मसाला आपको दिखाया था उसका वो, ये मैंने वो मसाला मैंने पीस के इस टेबल स्पून से मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है। ये 1 टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा मैं डाल रही हूँ, नमक हसबे जायका है, जिसका पानी सूख जाएगा तो फिर मैं इसको पीस लूँगी। अब ये शामी कबाब मसाला तैयार हो गया है, ये मैंने निकाल लिया है अभी, इसको मैं धुआं दे के फिर मैं इसको पीसूँगी। इसको बस चंद सेकंड तक, 30 सेकंड तक मैं इसको धुआं ढक्कर ढक के रखूंगी, फिर मैं इसका ढक्कर खोल लूंगी। अभी मैं कोयला हटा के, ये वैसे ठंडा हो चुका है तो मैं इसको अभी पीस रही हूँ। ये मसाला मैंने पीस लिया है, इसमें मैंने हल्का सा नमक डाला है, नमक कम था। इसमें मैं ये पुदीना और हरा धनिया है वो मैंने काट के डाल दिया है, ये हरी मिर्ची मैं डालूंगी पिसी हुई 1 टीस्पून, और ये हरी प्याज है। एक टेबल स्पून मैं दही डाल रही हूँ, 2 अंडे में डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। अभी हरी मिर्ची मैं डाल रही हूँ, मैं ज़रा हाथ से मिला रही हूँ, तो वो हरी मिर्ची मिला के बाद में मैं इसको चम्मच से मिलाऊँगी। ये अंडे वगैरह और वो हरी मिर्च पे मैंने डाल दी थी, उसको मैंने चम्मच से मिक्स कर दिया था, इसमें हाथ से नहीं किया। और अब इसको मैं कुछ को मैं फ्रीज करूँगी और कुछ को मैं फ्राई करूँगी। वो शामी कबाब का मसाला जो मैंने बना लिया था तो मैंने इसके कबाब बना लिए हैं। उस तरह बस यही सब तरीका है कि सब चीज़ों को मिक्स करके, और उसमें जो भी आप मिलाना चाहती हैं, अदरक प्याज वगैरह, हरा धनिया, पुदीना, कोई डालता है कोई नहीं डालता, आप जो मर्ज़ी आप डालें, मसाला बस दाल और गोश्त या चिकन जो भी आप डालना चाहें, कीमा, उस तरह से बना के। और ये इस तरह से मैंने कबाब बना लिए हैं, इसको मैं फ्रीज़ करूँगी किसी कंटेनर में। और हम लोग इसको ज़्यादातर जैसे हम तड़का चावल बनाते हैं
जैसे बनाते हैं, आलू बना लिए इस तरह से, कोई सब्ज़ी बना ली उसके साथ हम बनाते हैं, और इसका इसको फ्राई करके और पराठे में स्टफ़ करके चीज़ के साथ, उसमें भी बहुत मज़े के लगते हैं। किसी दिन वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है जी, ये बना लिए मैंने, आप भी ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल देसी ट्रीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।